नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन बैंक राष्ट्रीयकरण के 52वीं वर्षगांठ जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कला मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया, जहां एसोसिएशन के उप महासचिव हीरा अरकने ने झंडोत्तोलन कर केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1969 में 14, 1979 में 5 और स्टेट बैंक सहित कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही लघु उद्योग, कृत्रिम उद्योग एवं अन्य कई उद्योग स्थापित हुए, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, जो देश के विकास के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ही देश का विकास संभव है। सरकार की इस नीति के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने देशवासियों से भी अपील की है कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में भी आगे आएं और सरकार की नीति का विरोध करें। एसोसिएशन पूरे देश भर से 10 लाख हस्ताक्षर संग्रह कर देश के राष्ट्रपति और संसद के सभापति को सौंपेंगे और मांग करेंगे कि बैंकों के निजीकरण को वापस लें। आज बैंक नेशनलाइजेशन डे का 52वां वर्ष है। हम 53वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और ये 1969 में 14 बैंकों का और 1979 में 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस तरह से 19 बैंक हुए और स्टेट बैंक को लेकर 20 बैंक इस देश के अंदर में काम कर रहे थे। और बैंक का राष्ट्रीयकरण जिस मुद्दों को लेकर हुआ था, उस मुद्दे से आज सरकार भटक गई है और वापस जो है निजी हाथों में बैंक को देने की तैयारी कर रही है। हम लोग राष्ट्रीयकरण दिवस मना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं पाम्पलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। और हाँ, यह ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चला रखा है, जो हस्ताक्षर हम लोग 10 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करके राष्ट्रपति और संसद के सभापति को भेजेंगे, ताकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण बना रहे। बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक इस देश में रहेंगे, तभी इस देश का विकास होगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ही आई है। छोटे मंझोले कुटीर उद्योग जो है इस देश के अंदर में राष्ट्रीयकृत बैंक की वजह से आगे बढ़े हैं और आज भी ज़रूरत है इस देश को, जबकि देश कोविड महामारी से गुजर रहा है। ज़रूरत है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को सुदृढ़ किया जाए, ना कि उसके निजी हाथों में सौंपा जाए। तो हम इस मुबारक मौके पर आम जनता से अपील करते हैं कि जो है बैंक एम्प्लॉय के निजीकरण के खिलाफ बैंकों के राष्ट्रीयकरण बनाए रखने के समर्थन में जो है अपना सहयोग दें और इस आंदोलन में बैंक कर्मियों को सहयोग। हीरा अरकने, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।